बना रहे थे लास्ट टाइम ये ऐप, इसके अंदर जो मिस्टेक थी, लॉगआउट का बटन जो काम नहीं कर रहा था, उसका भाई सीन ये था कि ये है ना मेरा कोड, ये जो फ्रंट एंड से मैं लॉगआउट के बटन पे जो भेजता था ना वो, अरे ये डबल डबल क्यों खुल रहा है भाई? वेब ऐप डॉट जे एस एक्स। अब ये ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर ये मैंने बनाया हुआ था ना लॉगआउट हैंडलर, ठीक है? तो लॉगआउट हैंडलर के अंदर ना आप गौर करें कि ये मैंने क्या किया हुआ है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, उसके बाद यू आर एल, उसके बाद एक बॉडी भी तो होती है ना पोस्ट की रिक्वेस्ट में, ये बॉडी मैंने नहीं लगाई हुई थी और डायरेक्ट मैंने ये क्रेडेंशियल लगाया हुआ। तो एक्चुअली क्रेडेंशियल ऑप्शंस में जाने के बजाय बॉडी में जा रहा था। अगर मैं इसका ये गेट क्लियर करूँ ना, ये भी मैं क्लास से पहले बैठ के ये कर रहा था, तो अगर आपको एक कंपैरिजन में दिखा पाऊँ ना मैं, तो पहले ये कोड ऐसा था, अब ये ऐसा है, तो इन दोनों में डिफरेंस आप देखें क्या है। पहले वाले कोड में ना ये चीज़ मिसिंग है, सही है? ये डिप्लॉय होने के बाद चल रहा था, मैं वही कह रहा था कि अगर मैं यहाँ से क्रेडेंशियल ट्रू लगा के भेज ही नहीं रहा था, मतलब लगा के तो भेज रहा लेकिन वो बॉडी में था, अब बॉडी तो वो चीज़ नहीं है, बॉडी को उस तरह से नहीं लेता वो, तो मुझे ऑप्शन में ही ये भेजना था क्रेडेंशियल ट्रू। अब जब मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल ट्रू नहीं लगा के भेज रहा हूँ, तो वो डिप्लॉय होने के बाद साइक्लिक पे वो कैसे चल रहा था? मे बी मैं जो समझ रहा हूँ, मे बी कि अगर फ्रंट एंड भी HTTPS पे है और बैक एंड भी HTTPS पे है, तो मे बी वो ये क्रेडेंशियल ट्रू ना डिफॉल्ट में ट्रू रखता हूँ, ठीक है? सर्वर पे तो ये ट्रू है, अगर मैं सर्वर पे जाऊँ ना, वो जो एक्सप्रेस का हम देख रहे थे कुकीज़, एक्सप्रेस कुकीज़ का जो डॉक्यूमेंट था, एक्सप्रेस का कुकी पार्सर नहीं यार, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़, हाँ API रेफरेंस, ये आ गया मैं कुकी वाले में। अब यहाँ पे देखो ये जो HTTP ओनली है ना, ये बूलियन है। अब इसके डिफॉल्ट वैल्यू इन्होंने यहाँ पे बताई हुई थी, पता नहीं कहीं अभी वो नज़र नहीं आ रही मुझे। इसकी इन्होंने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मेंशन की हुई थी कि डिफॉल्ट इसकी क्या है। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो वो हमने देखा था कि HTTPS पे जो है ना वो ट्रू होती है बाई डिफॉल्ट, तो हमने उसको फिर हमने उससे ये समझा था कि शायद फ्रंट एंड में HTTPS पे चलाना पड़ेगा, हमने ये समझा था उससे। लेकिन जब हमने HTTPS पे चलाया था, हमारे पास वो सर्टिफिकेट क्योंकि वैलिड नहीं था, तो वो काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है? और डिप्लॉय होने के बाद वो सही चल रहा था। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद फ्रंट एंड जब हमारा HTTPS पे है और बैक एंड भी हमारा HTTPS पे है, तो वो बाई डिफॉल्ट फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों से उसको ट्रू लेता हूँ। लेकिन फिलहाल मैंने क्या कर दिया है, अच्छा ये मैं और भी मैंने इसमें एक दो चेंजेस किए हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ क्या है। इसको तो मैं खैर अभी क्लियर कर दूंगा। अच्छा कुकीज़ को क्लियर करने का ना एक तरीका और भी होता है, एक तो ये वाला जो तरीका था ये भी सही काम कर रहा है, जब मैंने क्रेडेंशियल ट्रू सही कर दिया तो वो सही काम करने लग गया है। लेकिन एक रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी का भी मेथड होता है, जिसमें मुझे सिर्फ उसका नाम देना होता है कि उसका नाम क्या है, सही? क्लियर कुकी का करके कुकी का नाम दे दूंगा, वैल्यू वो खुद ही उड़ा देगा, और नीचे ऑप्शन इसमें भी सेम मैंने पास किए हैं तो वो चलेगा, ठीक है? तो ये अब बिल्कुल सही काम करने लग गया है। तो ये जो तीन फाइल में मैंने चेंजेस किए हैं, ये तीनों फाइल मैंने आपको दिखा दी। एक तो ये लॉगआउट का जो जो मेरे पास सर्वर था उस पर मैंने क्या लगा दिया, क्लियर कुकी लगा दिया, ठीक है? लेकिन क्लियर कुकी के बगैर भी वो चल सही रहा था, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लियर कुकी लगाने की वजह से वो चल रहा है, वो क्रेडेंशियल ट्रू मैंने मिस किया हुआ था इसलिए वो गड़बड़ कर रहा था, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास अब हो चुका है क्लियर कुकी वाला। अच्छा मैंने ये सेम साइट को मैंने नन रखा है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो क्रॉस साइट पे चले, फ्रंट एंड में चाहता हूँ कि मैं कहीं और, मतलब ये है कि फ्रंट एंड कहीं और डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि जब मैं NPM स्टार्ट करता हूँ तो फ्रंट एंड मेरा चलता है लोकल होस्ट 3000 में, दैट इज़ अ डिफरेंट डोमेन, और बैकएंड मेरा चलता है 5001 पे, तो दैट इज़ अ डिफरेंट। तो मैं चाहता हूँ उस पर भी ये बिल्कुल सही चले, तो इसलिए मैंने क्रॉस साइट को फिलहाल नन रखा है। ये दोनों में दिख रहे हैं, हाँ कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट में भी दिखा देता हूँ मैंने क्या चेंज किया। कॉन्टेक्स्ट में असल में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल जेड करके वापस कर दिया, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में वैसे ये जो लॉजिक मैंने लगाई ना, मैंने गलत लगा दी है। ये लॉजिक ना इस तरह नहीं होगी, इस तरह इसलिए नहीं होगी कि इसको मैंने लगाना था कि लोकल होस्ट अगर इसमें हो, मैं बोलूँगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ डॉट स्प्लिट करके नहीं करूँगा मैं बोलूँगा कि कंटेन्स डॉट कंटेन, सही है। इसको बल्कि मैं यहाँ से कट करके ना इसको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाके इसको करता हूँ ताकि मुझे पता भी चल जाए। डॉट कंटेन, कंटेन्स होता है कंटेन होता है, इसमें तो नहीं रही। कंटेन करके एक होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर यार, इंक्लूड्स होता है, इंक्लूड्स होता है। डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में मैं क्या लगाऊंगा, लोकल होस्ट, सही है। लोकल होस्ट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, ये लगाऊंगा मैं। या और भी मैं कोई लॉजिक लगा सकता हूँ, दोनों को मिला के भी लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि HTTPS होना या ना होना एक ऐसा पॉइंट आया था इस पर फेल हो रहा था। मिसाल के तौर पे अगर मैं फ्रंट एंड को HTTPS करके चला रहा था तो वो फेल हो रहा था उसके अंदर ना, तो मे बी अगर वैसे तो फ्रंट एंड HTTPS करके नहीं चलेगा, लेकिन मे बी, आप समझ रहे हैं, मे बी सम टाइम में लोकल में भी HTTPS करके चला रहा हूँ तो शायद वो प्रॉब्लम करे। तो मैंने इसको इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। तो ये ट्रू या फॉल्स देता है, तो मैंने कहा कि भाई कंटेन्स अगर ये है और इंक्लूड्स अगर ये है तो आप लगा दो, तो ये लॉजिक मैं चेंज करना चाह रहा था। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, ये लॉजिक आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो अगर अभी इसको ये मैंने गलत खोला है, यहाँ से खोल लेता हूँ ना सीधे तरीके से। तो मैंने कहा कि भाई विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ में अगर लोकल होस्ट मौजूद है तो आप क्या करो, ये वाली API हिट करो, अदरवाइज खाली छोड़ो उसको, सही है। तो लोकल होस्ट तो हो गई, भले मैं फ्रंट एंड को लोकल जो है HTTP पे चलाऊँ या HTTPS, लोकल होस्ट मेरे पास होगा। तो इसको लॉजिक को मैं डिपेंडिंग ऑन मेरा केस क्या है, मेरा सिनेरियो क्या है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एक चेंजेस किए हैं, और तीसरा मैंने क्या चेंज किया, बस ये बैकएंड पे लॉगआउट की API चेंज की है थोड़ी सी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने कर दी है क्योंकि वो अप्रोप्रिएट है। फ्रंट एंड पे मैंने ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया है, पहले ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं था यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा था। और तीसरा ये कॉन्टेक्स्ट API में मैंने लॉजिक चेंज किए, वो भी आपको पता चल गया। अच्छा, अभी आगे का काम इसमें हमने क्या करना है वो हम ज़रा देखते हैं, लेकिन पहले इतने को हम चला के, अच्छा ये चल ही रहा है मेरे पास, एक्चुअली ये मेरे पास चल रहा है ऑलरेडी, तो मैं इसको एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड करता हूँ, ठीक है, लॉगआउट की अभी सिचुएशन में ये। अच्छा, अभी मैं इसको अब लॉगिन का बटन दबाता हूँ, ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होते ही मेरे पास यहाँ पे टोकन आके स्टोर हो चुका है, ऑब्वियसली सही है, टोकन स्टोर हो चुका है मेरे पास। इसको मैंने डन किया, अब मैं लॉगआउट का बटन दबाऊँगा तो ये टोकन यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, ठीक है, टोकन यहाँ से खाली हो चुका है मेरे पास, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने क्लियर कुकीज़ लगाया था और टोकन को मैंने क्लियर करवा दिया तो वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब रिफ्रेश करूँगा मैं तो ये तरी खड़ा रहेगा, और अभी ये नॉर्मल जो फ्रंट एंड जैसा होता है लोकल होस्ट 3000 उस पर ये चल रहा है, अभी ये डिप्लॉय हुई वाली सिचुएशन में नहीं है ये। अच्छा, अब हमने आगे क्या प्लान किया था, अब अपना कोड हम ज़रा देखते हैं बारी बारी ऊपर से लेके नीचे तक, और हम फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमने अगला काम क्या करना है। पहले तो हम अपने सर्वर पे चलते हैं जी। हाँ, एक हमारे पास चीज़ और रह गई थी, जो PWA लगने के बाद ना ये पंगा करता था, वो PWA हमने रिमूव किया था, उसको अभी दोबारा लगाना है हमने। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, प्रोडक्ट से नहीं होगा, वो प्रोफाइल से होगा, बंदे की प्रोफाइल से होगा, उसको भी चेंज करेंगे अभी। तो हम PWA को बहरहाल पहले तो वापस लाते हैं, सही है। तो PWA कहाँ था हमारा, ये पब्लिक में था और SW.js था ये, और मैंने इसको कहाँ से हटाया था, index.html के पेज में जाके ना इतने पार्ट को मैंने कमेंट डाउन कर दिया था, उसको मैं कमेंट डाउन से हटा देता हूँ। और कमेंट डाउन से हटाने के बाद जब मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास इंस्टॉल का बटन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये इंस्टॉल का बटन आ रहा है मेरे पास। इसको मैं कैंसिल करता हूँ फिलहाल के लिए,
और जाके ज़रा देखता हूँ कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, ये सर्विस वर्कर मेरा रजिस्टर हो चुका है प्रॉपरली। अच्छा, अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ, तो ये सही लॉग इन हो गया। और अब मैं इसको वापस जब टोकन देख लेता हूँ, सही आ रहा है टोकन। हाँ, टोकन सही आ चुका है यहाँ पे। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करके रिफ्रेश करता हूँ तो वो दोबारा लॉग इन हो गया। ये वाला एक मसला था जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाया था अभी तक। टोकन जा चुका है लेकिन वो लॉगआउट फिर भी नहीं हो रहा। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो लॉगिन हो जा रहा है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम असल में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब मैं लॉगआउट होने के बाद रिफ्रेश करता हूँ ना, तो क्योंकि सेम एपीआई है वो स्लैश प्रोडक्ट्स की। अब मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या इशू क्या था। सही है, वो देता था 301 समथिंग करके देता था। हाँ, अच्छा, अब मैं लॉगआउट कर देता हूँ इसको। लॉगआउट हो चुका है, की मेरी जा चुकी है, की मेरी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये स्लैश प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट में वो केशे से ले आता था, तो उसमें 301 समथिंग आता था। तो अच्छा, मैंने जो लॉजिक लगाई है, मैंने ये कहा था कि अगर सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, तो सक्सेसफुल जो है वो 100, 200 और 300, ये तीनों सक्सेसफुल में काउंट होता है। 400 और 500 एरर में काउंट होता है। तो वो 300 की सीरीज़ है, वो सक्सेसफुल होती है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं एक दफ़ा और इसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने लॉग इन किया, लॉग इन करके मैं दो तीन दफ़ा रिफ्रेश करूँगा ना, तो मुझे वो प्रोडक्ट्स 301 में से देना शुरू कर देगा। ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ये कहाँ से आ रही है उठ के, इसके साथ ये छोटा सा बना हुआ आ रहा है ना गियर, इसका मतलब है कि सर्विस वर्कर के केशे में से आ रहा है। सही है, इसका मतलब ये है आई थिंक। हाँ, ये फैच में से आ रहा है, ये जो सर्विस वर्कर में मैंने फैच लगाया ना कि भाई जो भी आने जाने वाली रिक्वेस्ट है उसको कैशे करो, ये वहाँ से उठा के ला रहा है इसको। ये रहा, देखा सर्विस वर्कर में, अरे कैसे होगा ये। अब मैं इसको क्लियर करके दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, ये सर्विस वर्कर से आ रहा है ये वाला जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो टॉप से ये जब शुरू करता है ना, तो पहली रिक्वेस्ट जो लगाता है ये, वो लगाता है सर्विस वर्कर को और वहाँ से मंगवाता है। उसके बाद एक दूसरी रिक्वेस्ट लगाता है ये, जो कि इंटरनेट से लेकर आता है, लेकिन वो पहली वाली मुझे मिलती है, दूसरी वाली मुझे मिलती नहीं है। कि इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि भाई 301 बनाई है, तो मैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, अच्छा अब मैं इसको लॉगआउट करता हूँ, और लॉगआउट करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये लॉगिन इसलिए शो करता है क्योंकि प्रोडक्ट में ये जो पहली रिक्वेस्ट लगी थी ना, जो सर्विस वर्कर से थी, उसमें मुझे ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अच्छा, उसका लेकिन इस बार वो भी 200 आ रहा है, इसका क्या हल करें। मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास एग्जियोस के अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट होगा कि मैं एग्जियोस को बोलूँ कि केशे से मत लाना, मोस्ट प्रोबेबली। सही है, तो अभी हम वो देखते हैं। तो पहले तो हम जाके अपने कोड में ये चीज़ हम मेक श्योर करते हैं कि मेरे कोड में मुझे क्या स्टेटस कोड मिलता है, वो मैं मेक श्योर करने के लिए वहाँ पर कंसोल करवाऊँगा उसको। तो मैं app.jsx में गया, और यहाँ पे जो मेरा यूज़ इफेक्ट है जिसमें मैं गेट प्रोफाइल करता हूँ, उसमें मैं रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा ये रिस्पॉन्स आया हुआ तो है मेरे पास, ये कॉन्सोल में 200 आ रहा है रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स में 200 आ रहा है मेरे पास। स्टेटस 200 है, टेक्स्ट ओके है। ठीक है, तो मैं जाके अलग से गूगल करता हूँ एग्जियोस अवॉइड केशे। तो किसी ने सवाल पूछा था कि कैन यू डिसेबल ब्राउजर केशे, और ऐसे करके इसने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो एग्जियोस डॉट गेट केशे कंट्रोल नो केशे, क्या बात है भाई। सही है, प्रैग्मा नो केशे और एक्सपायर ज़ीरो। अच्छा, अब ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, इसको ज़रा गौर से समझ लें।
ये जो एक्सपायर ज़ीरो है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कब एक्सपायर कर देना है, 0 सेकंड में एक्सपायर कर देना है, इसका ये मतलब है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं वो ऑब्वियसली आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये हेडर्स में ना ये बात डाल के ज़रा ट्राई करता हूँ, और वंस ये हो जाता है तो फिर हम इसका जाके डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। सही है, हाँ भाई, खड़े हो जाओ शाबाश। तो गेट प्रोफाइल के अंदर मुझे क्रेडेंशियल ट्रू के साथ साथ मुझे क्या डालना है, मुझे ये भी ऐड करना है। सही है, अब देखते हैं क्या होता है इसको ऐड करने से। सही है, अब की बार तो ये सेट हो गया बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको 2-3 दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं नेटवर्क में जाके देखता हूँ कि ये अब ये कहाँ से लाता है, क्या हर दफ़ा अभी भी है सर्विस वर्कर में जा रहा है। हाँ यार, सर्विस वर्कर में तो अभी भी जा रहा है ये, ठीक है। वेल, 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ और फिर मैं इसको लॉग आउट करके फिर रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखते हैं कि अब वो मसला हमारा हल हुआ है कि मसला हमारा हल नहीं हुआ। मसला हमारा हल नहीं हुआ, अभी भी मुझे ये 200 ला के दे रहा है जबकि हमारे पास टोकन अभी जा चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमारी क्लियर है, हमारा प्रॉब्लम जो था वो हमें पता चल गया कि वो क्या था। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा अपने सर्च को टर्म को चेंज करूंगा और मैं बोलूंगा कि सर्विस वर्कर के इशू। ठीक है, एक्सियोस में मुझे अवॉइड कैसे करना है सर्विस वर्कर के इशू को, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। या बल्कि मैं इसमें लिखूंगा PWA, एक्सियोस के डॉक्यूमेंट्स में भी जरा एक नजर मार लेते हैं कि उन्होंने क्या कोई PWA के बारे में कुछ बात लिखी भी है क्या। नहीं, टोकन तो गेट हो रहा है लेकिन वो तो ब्राउजर का एक मैकेनिज्म है ना। सर, ये फ्रंट एंड से टोकन गेट कर गया, अगर टोकन हमें ना मिले तो? नहीं नहीं, फ्रंट एंड पे तो वो जावास्क्रिप्ट के जरिए वो टोकन गेट नहीं हो सकता, यही तो उसकी खासियत है। अच्छा, रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग में ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। ये सारे हमारे पास ना इसके वो हैं ऑप्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे भेज सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे सर्च इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ, मे बी हम इनके गिटहब में चलते हैं, वहाँ पे इन्होंने कुछ वहाँ पे शायद ना सीधा सीधा टेक्स्ट है तो हम शायद देख पाए। How to force Axios not caching? हाँ भाई, किधर? अच्छा, मैं एक चीज़ और अभी देखना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली इससे होगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी इसलिए नहीं कि वो मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी वो गेट करता है लॉग आउट करने के बाद, तो टोकन चूंकि एक्सपायर हो चुका है तो रिस्पॉन्स वही आएगा जो पहले से कैशे में है, लेकिन स्टिल ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है कि भाई एक बंदा है वो लॉग आउट करके जा चुका है पब्लिक कंप्यूटर पर और कोई बंदा आता है बैक का बटन दबाता है तो उसको रिस्पॉन्स वापस मिलता है, तो दिस इज़ नॉट गुड, है ना। तो हम 2-3 काम इसमें शायद कर सकते हैं। एक तो ये कि हम उसका डिसेबल करवा दें कैशे किसी तरह, सिर्फ एक रिक्वेस्ट का, जिससे वो उस पेज पे ही ना जाए फ्रंट एंड पे। लेकिन शायद हमारे पास प्रॉपर तरीका ये होगा, प्रॉपर तरीका कि जब बंदा लॉग आउट करे ना तो हम
PWA का पूरा कैश हम डिलीट करवा दें। तो शायद हमें इस चीज़ को देखने के बजाय कि इसको अवॉइड कैसे किया जाए, हमें ये देखना चाहिए कि हम PWA का पूरा कैश कैसे डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, जो PWA ने सर्विस वर्कर में पूरा का पूरा जो कैश किया हुआ है, हम सबको डिलीट कैसे करवा सकते हैं, शायद हमें ये देखना चाहिए। वेल, हाँ, लॉग आउट के बटन दबाने पे ना मैं सर्विस वर्कर का पूरा कैशर उड़ा दूँ, शायद ये बेहतर होगा। हाउ टू क्लियर कैशर ऑफ सर्विस वर्कर, ये सही इसने बात की हुई है ना, यही हमें चाहिए। कैशर इज नॉट इक्वल टू कैशर नेम सर्विस वर्कर, कैशर इज नॉट डिलीट, सही है ना, कैशेज डॉट डिलीट करके हो गई है। तो हम यहाँ पे एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे एक्चुअली अपने सर्विस वर्कर के अंदर, और उस इवेंट को हम यहाँ से जब फायर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो कैशे गायब कर देगा। सही है, तो अच्छा इस वाले को ज़्यादा लोगों ने सही बोला है, कैशे नेम देन कैशे एड ऑल इनपुट्स दिस ऐसे करके तो ऐड होता है, और डिलीट कैसे होगा ये self.cache.keys.then for each console key, इस तरह ये फाइंड आउट हो रहा है कि self.cache.delete और my site cache, ऐसे करके ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। अनरजिस्टर भी कर सकता हूँ मैं अगर मैं चाहूँ तो, सही हो गया। आते हैं ज़रा अपने सर्विस वर्कर की फाइल में चलते हैं और वहाँ पे इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे होगी कैसे। ये हमारा sw.js आ गया, इसमें जो है हमारे पास ये फैच के ऊपर जो है ना, जो फैच की जो रिक्वेस्ट जाती है। अच्छा भाई दबे, अगर मैं ये पूरा उड़ा दूँ ना यहाँ से तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा हमारा मसला, यानी इंस्टॉल वाले से इसका ताल्लुक नहीं है, ये फेच वाले से अलग है इसका ताल्लुक, कि भाई कोई भी रिक्वेस्ट आने जाने वाली है उसको इधर ही कैशे कर ले और दोबारा वहाँ पे ना जाए। अच्छा तो ये क्या कर रहा है, ये इवेंट डॉट रिक्वेस्ट डॉट मॉड नेविगेट, अगर नेविगेट हो तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्ड विद एसिंक, और यहाँ से ला के ना प्री लोड रिस्पॉन्स को यहाँ पर भेज देगा। इस तरह का कुछ यहाँ पर सेटिंग इन्होंने की हुई है। तो मेरा ख्याल है हमारी ऐप में हमें इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है इस वाले की, कि हर आने जाने वाली रिक्वेस्ट के साथ हम इसको कैशे करें इस तरह। हमें तो पेजेस को कैशे करवाना है एक्चुअली, ताकि पेज लोड फास्ट हो, क्योंकि जब मोबाइल ऐप के अंदर हम खोल रहे होते हैं तो एक एक पेज अगर लोड होगा देर देर से, तो हम ये करते हैं कि जितने पेजेस पर बंदा जाता जाए ना वो लोड होता जाए एक एक करके, या वो प्री लोड हो जाए पहले से ही। तो हम इसको अगर यहाँ से उड़ा दें और इसको सेव कर दें, और अब हमारे सर्विस वर्कर को जाके हम यहाँ से क्या कर दें, अनरजिस्टर कर दें। ठीक है, अनरजिस्टर और रिफ्रेश करें तो ये ठीक है, तो मे बी इस तरह भी हमारा मसला, ये वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। जिंदगी के एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा सामने से आ जाता है। यार ये अभी भी कैशे कर रहा है, और लेकिन अभी ये सर्विस वर्कर वाला अब नहीं आ रहा है इसमें, है ना, सर्विस वर्कर वाला अब नहीं आ रहा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, नहीं यार अभी भी आ रहा है, bundle.js आ रहा है। अच्छा ये तो फाइलें हैं ना bundle.js में मेरा। अच्छा ये प्रोडक्ट में अभी भी सर्विस वर्कर आ रहा है, प्रोडक्ट्स मैं ज़रा sw.js की फ़ाइल देखूँ। ठीक है, इसमें वो फैच वाला तो मैंने गायब कर दिया, इसमें से इंस्टॉल वाला रह गया स्टिल, और ऑफलाइन सही है। ठीक है जी, अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अबे यार लॉग इन हो जा रहा है।
और अब की मेरे पास कंसोल में क्या लिखा हुआ है, 200 ही आ रहा है यार, 200 ही आ रहा है। केशे कंट्रोल नो केशे तो मैंने लिख के भेजा था, वो तो सही जा रहा है। प्रैग्मा में भी नो केशे लिखा हुआ सही आ रहा है। अच्छा इन तीनों को भी ज़रा देख लेते हैं डिटेल इसकी। एक्सियोस ऑप्शंस में जाऊंगा मैं, तो ये मेरे पास ना एक्सियोस के ऑप्शंस आ गए सारे। नॉट दिस वन एक्चुअली, शायद मैंने ना ये सही इस तरह से नहीं भेजा, इस तरह से भेजना था। ये ना हेडर्स के अंदर रख के भेजा जाएगा, तो एक्सियोस डॉट गेट में हेडर्स कैसे जाते हैं? क्या हेडर्स ऑप्शन के अंदर जाते हैं या कॉन्फिग के अंदर जाते हैं? एक्सियोस के क्योंकि कॉन्फिग में कहीं पे वो तो नहीं लिखा हुआ, एक्सियोस के कॉन्फिग में तो कहीं पे भी वो नहीं लिखा हुआ इन्होंने कि हेडर ऐसे जाएगा। अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे उन्होंने कि हेडर्स इस तरह जाएगा, तो थोड़ा सा इस रिक्वेस्ट को मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैंने ये गड़बड़ किया है इसमें ना। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली कॉन्फिग पहले बनता है, जो इसका क्लासिक तरीका है उसको भेजने का वो ये वाला है कि आप ना पहले ये कॉन्फिग बनाते हैं। सही है, कॉन्फिग में अपने हेडर रख दिया, कॉन्फिग में ही फिर आप यूआरएल भी रखते हैं। सही है, यूआरएल में यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ और इधर ला के रख देता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं एक्सियोस को गलत तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। अच्छा विद क्रेडेंशियल जो है वो भी मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिग के अंदर रखता हूँ। सही है, देख लेते हैं इसमें कॉन्फिग में विद क्रेडेंशियल आ रहा है। हाँ विद क्रेडेंशियल भी रूट पे ही होगा इस कॉन्फिग में। और फिर मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्फिग को क्या करता हूँ मैं एक्सियोस पे डायरेक्ट लगाता हूँ, डॉट गेट नहीं रखता मैं, फिर मैं डायरेक्ट ऐसे करके भेजता हूँ। ठीक है, और क्योंकि ये वो है तो इसमें बॉडी भी होगा, सॉरी बॉडी नहीं होगा, ये डेटा होगा आई थिंक, देख लेते हैं बॉडी है या डेटा है। हाँ डेटा है, सही है, डेटा करके इस तरह भेज रहे होते हैं बॉडी हम। तो डेटा मैंने क्या भेजना है, खाली भेजना है। नहीं ये मैं कॉन्फिग वाले तरीके से भेज रहा हूँ, जो इसका क्लासिक तरीका है। यू आर एल कॉमा कॉन्फिग क्यों होगा, लाइन नंबर 58 में यहाँ? नहीं नहीं सिर्फ कॉन्फिग होगा, यहाँ सिर्फ कॉन्फिग होगा क्योंकि यू आर एल मैंने कॉन्फिग में दे दिया ना, तो मैं एक्सियोस पे हाथ रखूँगा ना मैं, असल में ओवरलोड्स है ना एक्सियोस के, डिफरेंट ओवरलोड्स हैं। तो आप देखो ये एक्सियोस पे ये डायरेक्ट सिर्फ कॉन्फिग भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर जाहिर है यूआरएल मुझे कॉन्फिग में ही पास करना होगा, वो मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे क्लासिक तरीका है, वो तो डॉट गेट वेट का इन्होंने मेथड अलग से बना दिया, इनकी मेहरबानी है वो, लेकिन क्लासिक तरीका इनका यही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सियोस को मैंने गलत यूज़ कर दिया है। सही है, ये तो अभी लॉग आउट हो गया ना, एक मैंने लॉग इन किया और तीन चार दफ़ा इसको मैंने रिफ्रेश किया और अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और लॉग आउट करके इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ। सही है, रिक्वेस्ट हैंडलर में अभी भी वो चीज़ें तो मौजूद हैं, नो केशे और ये एक्सपायर्स और ये प्रैग्मा, ये सब चीज़ें तो अभी भी हैं, पहले भी आ रही थी। इट मींस एक्सियोस को मैं गलत यूज़ नहीं कर रहा हूँ।
नहीं उसको, हाँ ये भी एक सवाल है कि इसने भेजी कौन सी है ये भी देख लेता हूँ ना, गेट की भेजी है या पोस्ट की भेजी है। गेट की भेजी है सही है, इसमें मुझे मेथड भी मेंशन करना था, सही कहा तुमने ये। इसमें मुझे क्या करना होता है, METH ओनली मेथड, और इसमें मुझे पोस्ट ऐसे लगाना होता है, ठीक है। वो भी यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर मैं यहाँ सर्च करूँगा ना मेथड, कहाँ मेंशन किया हुआ है, मेथड गेट है ये ना, ठीक है। स्मॉल भी कैपिटल भी एक ही बात है, वो अंदर समझ लेता है उसको। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब इसको पोस्ट करना चाहिए उसको ऑब्वियसली, अभी भी गेट कर रहा है। अच्छा लास्ट में इसने पोस्ट किया सही है, पोस्ट हो गया ये। ओके गॉट इट, शायद मेरा मसला सॉल्व हो गया हिट एंड ड्राइव में। अब ये 204 ला रहा है, नहीं नहीं अभी तो थोड़ी देर बाद खुद ही 204 हो जा रहा है। लॉगिन लॉगिन लॉगिन, और उसके बाद लॉगिन कर दिया, लॉगिन के बाद रिफ्रेश काफ़ी सारा, और रिफ्रेश के वो ये क्या हो रहा है, खुद थक करके लॉग आउट हो जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, नहीं गेट की रिक्वेस्ट क्यों, 404 हो जा रहा है, गॉट इट। अच्छा ये 404 इसलिए हो जा रहा है, ये 404 किस खुशी में हो रहा है भाई, रिक्वेस्ट तो मैंने सही भेजी है API/V1/this, ये 404 क्यों हो जा रहा है भाई। अभी हाँ मैं पोस्ट क्यों लगा रहा हूँ उसमें, ये तो गेट की रिक्वेस्ट है पोस्ट मैंने लगा दिया तो मैं लोग बता भी नहीं रहे। हाँ सही है ना, पोस्ट की रिक्वेस्ट थोड़ी है, वो तो गेट की रिक्वेस्ट है, उसको क्यों मिलेगा वो। हाँ सही है ना, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, सही है ठीक मिल रहा है अभी। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करने के बाद अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये क्या स्टेटस मिला है इसको, 204 मिला है, नहीं यार 200 मिला है, 200 मिल रहा है, 200 आ रहा है स्टेटस। ठीक है तो भाई सर्विस वर्कर जो है इसको कैशे कर रहा है, और अच्छा थोड़ी देर बाद करूँगा ना मैं तो फिर हटा भी देता है कैशे, या एम्प्टी कैशे करने से शायद, हाँ एम्प्टी कैशे कर रहा हूँ तो हटा दे रहा है। तो अब हमें इस चीज़ पे गौर करना है कि हमारे पास ये इसको डिलीट कैसे करना है, इस कैशे को। सही है, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताया, तो इसमें से हम किसी एक को ज़रा देखते हैं और लगाते हैं फिर इसका कुछ हिसाब किताब। अच्छा मैं चले जाना घर, कौन सी जल्दी है, खड़े हो भाई शाबाश। इसी जवानी में थक गए बुढ़ापा आ गया। अच्छा खैर भाई अभी इधर देख लो, अभी ना इसके अंदर मैं एक और इवेंट लिस्नर ऐड करने लगा हूँ। जिस इवेंट लिस्नर पे मैं क्या करूँगा, अच्छा कि इवेंट आप सब लोग पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के ज़माने में, किसी को भी अगर भाई नहीं पता तो इवेंट लिस्नर वाला जाके ना वीडियो देख सकता है वो, ठीक है। अच्छा ये इंस्टॉल का जो बटन है ना, इस पर मैं क्या लगा देता हूँ, मैं इस पर लॉगआउट नाम रख देता हूँ, क्योंकि इवेंट लिस्नर तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है किसी भी नाम से हो सकता है। तो मैंने कहा भाई इवेंट लिस्नर लॉगआउट, और वेट अनटिल करके इस पर मैंने कहा कि भाई कैशे डॉट ओपन है ना, तो मैंने कैशेज डॉट क्या करना है, डिलीट करना है इस बार ना, सेल्फ डॉट कैशेज डॉट डिलीट करना है मैंने, सही है कैशेज डॉट डिलीट।
और केशे डॉट डिलीट के अंदर इस केशे का मैंने नाम दे दिया, दैट्स इट। और अब मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, ये करता हूँ कॉन्सोल भी लगा देता हूँ, मुझे पता चले एग्जैक्टली कि जब ये चले ना सही है, लॉग आउट इवेंट लिसनर मैंने इसको नाम दे दिया, ताकि जब ये चले ना तो मुझे पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है। और यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इवेंट अब फायर करना पड़ेगा। कैसे होता है इवेंट फायर, कोई बता सकता है? हाँ भाई, क्या लिखूँ मैं, इवेंट डॉट इवेंट कैसे फायर करूँ मैं यहाँ से, एड इवेंट लिसनर तो लिसनर बनता है, इवेंट इमिट कैसे करूँगा मैं, ऑन क्लिक थोड़ी होता है। ई डॉट ई का कौन सा ई, कौन सा ई की बात कर रहे हो? इवेंट इमिट करना है ना यहाँ से मुझे, भाई इवेंट इमिट करूँगा तो लिसनर चलेगा ना ऑटोमेटिकली, वो तो बटन पे क्लिक ऑन क्लिक तो वो तो पता है। इवेंट डॉट इनिट इवेंट, ये तो क्या लिखा हुआ रहा है, ये तो डेप्रिशिएटेड बता रहा है। ई तो मिलेगा ही ना, ई वो थोड़ी ना, ये विंडो डॉट करके होगा कुछ, अभी देख लेते हैं हम, गूगल करना पड़ेगा, मैं मुझे भी याद नहीं है। सही है, फायर एन इवेंट ऑन विंडो डॉट डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग एंड ट्रिगरिंग एन इवेंट, ये इस तरह करके बनेगा, न्यू इवेंट ऐसे करके। स्क्रीन चली गई है, अबे यार बस ये ऐसे ही है, मेरे बेकार बन गया। न्यू कस्टम इवेंट, हाँ ये आ गया ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट इवेंट ऐसे होगा, डिस्पैच इवेंट, अरे ये तो बहुत लंबी कहानी बता रहा है। एड इवेंट लिसनर लगा हो ना अगर एलिमेंट, अच्छा ये किसी एलिमेंट के ऊपर लग रहा है, लिसनर फॉर इवेंट, ये इसने एक बनाया इवेंट, डॉक्यूमेंट के ऊपर इवेंट क्रिएट हुए, अच्छा क्रिएट द इवेंट, डिफाइन दैट द इवेंट नेम इज बिल्ड, ठीक है इवेंट का नेम इसने बिल्ड लगा दिया। अच्छा ओल्ड फैशन है, ये एलिमेंट के साथ कैसे एसोसिएट हो जा रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एलिमेंट के साथ हमारा ये वाला किस एलिमेंट पे एसोसिएट हुआ है, जरा और कर लेते हैं इस पे आगे, ये सेल्फ पे हुआ है, और ये सेल्फ क्या चीज़ है, सेल्फ का मतलब है डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, तो भाई अब मुझे डॉक्यूमेंट के ऊपर इवेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, डिस्पैच इवेंट नाम है इसका, सिंपल सी बात है, डिस्पैच इवेंट नाम है इसका, समझ आ गया मेरे ये कैसे होगा। सही है, मैं ये करूँगा न्यू इवेंट, और मैं फिर क्या बोलूँगा, फिर मैं ऐसे करके इसको डिस्पैच कर लूँगा। सही है, एलिमेंट और डिस्पैच इवेंट इवेंट, अच्छा इसका नाम क्या रखा था मैंने, लॉगआउट रखा था राइट, तो मैंने न्यू इवेंट बनाया जिसका नाम रखा मैंने लॉगआउट, और इसको मैंने डिस्पैच कर दिया, लेकिन एलिमेंट करके डिस्पैच किया ना, तो एलिमेंट का मतलब क्या है कि मेरा वाला जो वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है विंडो डॉट डॉक्यूमेंट पे ना, तो मैं क्या करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट डिस्पैच इवेंट करूँगा। सही है, क्योंकि ये जब यहाँ पे खड़े होगे ना, रूट पे खड़े होगे, सेल्फ सेल्फ कर रहा है ये, तो सेल्फ का मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ मतलब है इसका। सही है, तो करके देखते हैं क्या होता है, होपफुली चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे कुछ और। नहीं पता चल रहा उसको बेचारे को।
विंडो डॉट डिस्पैच इवेंट करते हैं तुम। हाँ भाई, किसी को आइडिया है कुछ कि ये सेल्फ और किसकी बात हो सकती है? इंडेक्स पे चल के देखते हैं ना। स्क्रिप्ट इफ टाइप ऑफ नेविगेटर सर्विस वर्कर दिस 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 नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर डॉट रजिस्टर। नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर पे शायद ये हुआ होगा, तो हम यहाँ पे आ गए, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। हम कहते हैं भाई नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर पर डिस्पैच करो। हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये कि फिर वो ग्लोबल फंक्शन होगा ना, हमें करना तो ये इवेंट के जरिए ही पड़ेगा क्योंकि सर्विस वर्कर इवेंट के थ्रू चल रहा है। इवेंट तो हमें पता चल गया कैसे होता है, लेकिन वो इवेंट लगा हुआ किस पे ये नहीं पता चल रहा। ओ गॉट इट, ये हम कह रहे हैं ऐसे करके उसको गेट कर लो ना, वो जो नेविगेटर के सर्विस वर्कर पे जो रजिस्टर हुआ हुआ है उसकी गेट रजिस्ट्रेशन कर लो, ऐसे करके भी मिलेगा ये, तो हम ऐसे कर लेते हैं। कह रहे भाई ऐसे नहीं करो आप बिला वजह, आप ऐसे करके ना गेट रजिस्ट्रेशन करो आप, और रजिस्ट्रेशन डॉट फॉर ईच करके आपको सारी रजिस्ट्रेशन मिलेगी, यानी जितने भी सर्विस वर्कर रजिस्टर हुए हैं वो आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा सर्विस वर्कर तो मिल गया मुझे, और अब मैंने क्या करना है, नेविगेटर डॉट सर्विस वर्कर डॉट रजिस्ट्रेशन, और अनरजिस्टर भी मिल रहा है मुझे साथ साथ, और क्या चाहिए मुझे इसमें? अच्छा, इसी क्वेश्चन में इसने मजीद भी कुछ बात की हुई है। चलो अनरजिस्टर ही करवा देते हैं हम, अनरजिस्टर करवा देते हैं, मतलब कैशे डिलीट करें या पूरा का पूरा अनरजिस्टर करवाएं एक ही बात है, तो सही है हम इसको एन रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं। किस पे? जब बंदा लॉकआउट करते हैं तो उस केस में जितने भी सर्विस वर्कर रजिस्टर है सबको उड़ा दें, मे बी दिस विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सही है, पुराना सर्विस वर्कर भी उड़ा देता हूँ मैं। सही है, नए सिरे से अब रीलोड हुआ है, सब कुछ नए सिरे से हुआ है। अच्छा, मैंने कहा लॉगिन, सही है लॉगिन हो गया, लॉगिन करने के बाद इसको मैंने रिफ्रेश किया ताकि वो अच्छे से कैशे कर ले उसको। ठीक है, और उसके बाद में लॉगआउट का बटन दबाता हूँ तो ये डिलीटेड लिखा हुआ आ गया इस पर फॉरन। सही है, आई थिंक अब हमारा मसला सॉल्व हो गया, थोड़ा सॉल्व हो गया, भाई वापस आ गया वापस आ गया, ताली बजाइए तुमने और ये वापस आया है। बस तो उसको बैठने नहीं दे रहा था फिर। अच्छा, वो हो ही रहा है कि जब मैं लॉग आउट का बटन दबा रहा हूँ तो वो डिलीटेड तो वो हो जा रहा है, ठीक है, और एक रिफ्रेश पे वो नहीं जा रहा वापस डैशबोर्ड में लेकिन वो एक रिफ्रेश जो हो रहा है ना, उस एक रिफ्रेश के बाद क्योंकि सर्विस वर्कर वापस आ चुका है और उसका कैशे जो था ना वो कहीं डिस्क में स्टोर किया हुआ था, वो कैशे भी वापसी ले आ रहा है, और जब मैं अगली बार रिफ्रेश करता हूँ तो वो मुझे वापस डैशबोर्ड में लेके जाने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि मुझे सर्विस वर्कर को अनरजिस्टर करवाने से मेरा काम नहीं चलेगा, सर्विस वर्कर का मुझे कैशे उड़ाना पड़ेगा। ठीक है, डॉट अनरजिस्टर के अलावा यहाँ पर मुझे क्या क्या मिलता है? यहाँ पे क्या क्लियर कैशे का इसने क्या मेथड बताया हुआ था? सेल्फ डॉट कैशेज डॉट डिलीट। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है मेरे पास। अपडेट कैशे वाया सर्विस वर्कर रजिस्ट्रेशन, अपडेट कैशे वाया सर्विस वर्कर। काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं लेकिन मुझे ये वाला काम
अब इसके लिए मुझे करना ये होगा कि भाई ये सर्विस वर्कर की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको थोड़ा सा खंगालना पड़ेगा, उसको छान मारना पड़ेगा, जब जाके मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे ये कैसे, मतलब मुझे ये चीज़ें सारी पता चल रही होंगी, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशंस जो मुझे मिल रही हैं, इन रजिस्ट्रेशंस में मुझे क्या क्या मिल रहा होगा, और इस इन तमाम रजिस्ट्रेशन में से मैं अपने सर्विस वर्कर को मैं कैसे पहचानूंगा। जाहिर है मेरा तो एक सर्विस वर्कर है ना, तो उस सर्विस वर्कर को मैं कैसे पहचानूंगा इन तमाम रजिस्ट्रेशन में से, ठीक है। हाँ बस, तो तुम्हारी ड्यूटी है ना, तो तुम उसको सही करवाते रहो। इसके आंसर को एक दफा सही से पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि टिपिकली टू अपडेट योर कैशे नेम इन सर्विस वर्कर जेएस फाइल ऑन योर वर्कर इंस्टॉल अगेन। ये इंस्टॉल अगेन हो गया, ठीक है भाई। कैशे डॉट एड ऑल। अल्टरनेटिवली टू क्लियर द कैशे फॉर PWA फाइंड द कैशे नेम सेल्फ डॉट कैशे डॉट कीज डॉट देन कीज कैशे डॉट फॉर ईच just that, then refresh the page. If you see any worker related errors in the console after refreshing, you may also need to unregister the worker. अच्छा, मतलब मेरे पास कुछ और इशू है। नहीं, अभी मुझे एक चीज़ और मिली है, एक चीज़ और मुझे ये मिली है। वो कह रहा है कि भाई ये जो कैशेज है ना आपके, वो कैशे स्टोरेज जो है आपका, वो सर्विस वर्कर स्पेसिफिक नहीं है, वो तो वैसे भी कैशे स्टोरेज डॉट डिलीट करके मिल रहा है हमें। वो कह रहा है कि कैशे स्टोरेज तो वैसे ही मिल रहा है डायरेक्ट, डिलीट मेथड ऑफ द कैशे स्टोरेज इंटरफेस दैट दैट दैट, और इसको अपने कैशे का नाम देना होता है। तो अगर मैं वही सेम नाम इसको लाकर दे दूं यहाँ पर, जो मैंने इधर लगाया हुआ है sw.js में, ये है ना मेरा कैशे नेम PWA बिल्डर ऑफलाइन और पता नहीं क्या। अगर मैं इसको ही कह रहा है डायरेक्ट आप दो ना इसको लागे, तो भी ये उसको डिलीट कर देगा ये। तो ये ट्राई करके देखते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे डायरेक्ट है ये कैशे स्टोरेज डॉट डिलीट है। आ जाओ ये ट्राई करते हैं। सही है, रिफ्रेश रिफ्रेश, सही है। कैंसिल लॉग आउट, और लॉग आउट के बाद भाई लॉग आउट तो अब उधर भी नहीं जा रहा, ये क्या हो गया, एरर आ जा रहा है क्या? हाँ करते हैं भाई। ये क्या हुआ है, लॉग आउट का बटन दबाने से ये क्या हो रहा है, मूव क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, कैशेस डॉट डिलीट इज नॉट अ फंक्शन, ये कह दिया इसने, तो हमें इसको कैसे यूज करना होगा। Add event listener active केशे 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 event dot until this 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 अच्छा नहीं, ये add event listener के अंदर ही मिलेगा, ये direct नहीं मिलेगा, direct नहीं मिलेगा ये। चलो भाई, इस मसले का तो फिलहाल मुझे कोई हल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, अपनी ऐप को जो मज़ीद प्रोसीडिंग करेंगे अब आगे, वो हम सर्विस वर्कर को हटा के करेंगे,
ये प्रॉब्लम सर्विस वर्कर की वजह से ही आ रही है और इसका फिलहाल मेरी नज़र में कोई भी हल नहीं है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम मेरे पास आई भी, मतलब मैंने नोटिस पहली दफ़ा किया है, ठीक है। इससे पहले भी जाहिर है होता तो होगा, लेकिन मैंने नोटिस ये पहली दफ़ा किया है कि भाई उसको करने के बाद रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो वापस चला जा रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।